धनतेरस और दीपावली को लेकर देश भर में उत्साह देखा जा रहा है। धनतेरस पर देहरादून के बाजार भी गुलजार है, जहां लोग जमकर आभूषणों की खरीदारी कर रहे हैं। नेटवर्क 10 संवाददाता ने भी बाजार की रौनक का जायजा लिया है, आपको दिखाते हैं। धनतेरस और दीपावली का माहौल है, और ऐसे में जो बाजार है उत्तराखंड के, वो चहक महकते हुए नजर आ रहे हैं, पूरी तरह से गुलजार हैं। देहरादून के पल्टन बाजार में मौजूद हूँ और सुनार की दुकान पर मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं अलग अलग तरह के जो आकर्षण के केंद्र बन सकते हैं, क्योंकि धनतेरस है, दीपावली है, और ऐसे में जो लोग हैं वो दुकानों में जाकर शॉपिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। जो खरीदारी है वो लोगों की शुरू हो चुकी है। हमारे साथ इस शॉप के ओनर मौजूद हैं, अनिल कुमार इनका नाम है। सर, इस बार क्या क्या आकर्षण का केंद्र बना है, क्योंकि धनतेरस और दिवाली का माहौल है। इस बार धनतेरस पे जैसे हर साल कॉइन्स वगैरह का क्रेज रहता है, तो कॉइन्स का पूरा क्रेज चल रहा है, और कॉइन्स पे स्पेशल डिस्काउंट हमारे यहाँ चल रहा है। हॉलमार्क के कॉइन्स हमने रखे हैं, 1050 का रेट रखा है, और ये बकायदा हॉलमार्किंग की स्टैम्प है, इस पे हॉलमार्किंग की स्टैम्प है, ठीक है। और ये लक्ष्मी गणेश की कॉइन है, और बहुत अच्छी पैकिंग है, बिल्कुल एयर टाइट पैकिंग के साथ। और ये 2000 का नोट आया है। वैसे बाजार से तो 2000 का नोट विलुप्त हो चुका है, लेकिन सुनार की दुकान पे इस बार दिख रहा है कि 2000 का नोट चांदी में है। ये पूरा ये गिफ्ट करने के लिए सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है, कि शादी ब्याह में या किसी को ऑब्लाइज करने के लिए, गिफ्ट करने के लिए बहुत बढ़िया रहता है। और ये 2000 का, ये भी ऐसे ही सिल्वर पूरी प्योर चांदी का, ये 1000 रुपए का नोट लग रहा है, 1000 रुपए का। ये भी लुप्त हो गया है, ये भी लुप्त हो चुका है। जो करेंसी हमारी बंद हो चुकी है, वो अब सिल्वर में अभी भी चल रही है। और ये इस बार बहुत बड़ा मौका है कि दिवाली में रामलला इस बार आए हैं, और राम दरबार, इस बार सबसे ज्यादा डिमांड राम दरबार की सबसे ज्यादा है। हर किसी के अंदर राम दरबार लेने का क्रेज सबसे ज्यादा है। राधा कृष्ण की मूर्ति भी यहाँ पर नजर आ रही है, राधा कृष्ण जी की भी मूर्ति है, क्योंकि आने वाले टाइम पे अब कन्हैया जी का टाइम आ गया, रामलला का टाइम हो चुका है पूरा, और अब कन्हैया जी की बारी है, मथुरा बाकी है, अब मथुरा बाकी है। और कौन कौन से आकर्षण का केंद्र देख रहे हैं इस बार, मार्केट किस तरह से देख रहे हैं? अगर मार्केट में बहुत अच्छा स्कोप चल रहा है, मार्केट में रश भी है, लोगों के अंदर बहुत क्रेज है कि दिवाली की शॉपिंग का। इस बार मार्केट में उछाल आया है सुनार, अगर सोने और चांदी की बात की जाए तो कितना फर्क है पिछले साल से? अगर बात की जाए सोने में, कोई खास उछाल नहीं है। सोने में मेन उछाल जो मचाया हुआ है, वो एक जो उनसे ह्यूमर फैलाया गया है, जितने ब्रांडेड शोरूम है, ये जितने ब्रांडेड शोरूम है उन्होंने ह्यूमर फैलाया हुआ है, और सोने को महंगा किया है। जबकि सोना इस वक्त बहुत मिनिमम चल रहा है, 71,000 का रेट चल रहा है जेवर का, 22 कैरेट का, और लोगों के अंदर बहुत क्रेज है, लोगों को कोई कहीं से महंगा नहीं लग रहा, सोना जब खरीद लो तभी सस्ता होता है। एक बार आपको दुकान भी दिखाना चाहूंगा, काफी लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, धनतेरस और दीपावली का मौका है, और ऐसे में लोग जो शॉपिंग है वो करते हैं। माना जाता है कि इस दिन जो चांदी और सोना और प्लेटिनम की खरीदारी से जो लक्ष्मी माता खुश होती है, और कहीं ना कहीं जो सामान शुभ होता है। और ऐसे में जो दुकानें हैं उसमें आप देख सकते हैं अलग अलग तरीके के जो सामान है, चाहे उसमें पायल हो, बड़े बड़े हार हो, या फिर लक्ष्मी गणेश की जिस तरह से हमने मूर्तियां दिखाई, सिक्के दिखाए, तो लोग बड़े ही चाव से इन्हें देखते हुए नजर आ रहे हैं। और साथ साथ जो बर्तन भी है चांदी के, वो भी आपको नजर आ रहे होंगे। तो काफी भीड़ और रौनक बाजारों में देखने को मिल रही है दीपावली और धनतेरस में, और जिस तरह का जो माहौल है वो काफी खुशनुमाई नजर आ रहा है। और दीपावली में और धनतेरस में जो मार्केट है, फिलहाल ये कहा जा रहा है कि काफी उछाल इसमें देखने को मिल रहा है, और कहीं ना कहीं जो फायदा है व्यापारियों को पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। कैमरा जर्नलिस्ट सुनील के साथ मैं तुषार गुप्ता नेटवर्क 10 दे रही हूँ।